Hello everyone, myself Friendly Kilitua. Today we are going to start the third chapter, the most important portion of the chemistry. Right? Here is what is chemical reaction and equation. First of all, I tell you, अगर आपको chemical reaction के बारे में अच्छे से समझना है तो chemical reaction कि जो केमिकल इक्वेशन होता है उस केमिकल इक्वेशन को सिंपली वर्ड रिएक्शन में हम लिखते हैं, राइट। लेकिन उसके नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस कैसे करना है, केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करना है, राइट, वो आज देखने वाले हैं। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के चार स्टेप्स है। कितने? चार स्टेप्स है। तो चारों स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में ये पूछता है, राइट डाउन द स्टेप्स फॉर द बैलेंसिंग इक्वेशन एंड बैलेंस द गिवन इक्वेशन, राइट। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको ये स्टेप्स पता होना जरूरी है। उसके लिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छे से देखो। जो भी मैं लिख के देता हूँ वो नोट्स आप अच्छे से नोट डाउन करो और उसकी प्रैक्टिस करो। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और जो भी मैं समझा के दे रहा हूँ अच्छे से समझो, अपने नोटबुक में नोट डाउन करो। और एक बार अगर आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है अपने मोबाइल से, अपने पेरेंट्स के मोबाइल से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड को भी बोलो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो आज हम देखने वाले हैं, राइट, केमिकल रिएक्शन का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, राइट, दैट पोर्शन इज द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। मतलब कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो वर्ड इक्वेशन में आपको दिया है उसे केमिकल फॉर्मूले में लिखकर उसे बैलेंस करना है। नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड्स बैलेंस कैसे करना है उसके हम क्या लिखेंगे आज, स्टेप्स। व्हिच आर द स्टेप्स इन्वॉल्विंग द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। अंडरस्टूड? ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप देखना होगा, स्टेप बाय स्टेप, राइट। उसका नाम है, राइट, ट्रायल एंड एरर मेथड। कौन सा? ट्रायल एंड एरर मेथड। एरर मेथड, इस मेथड से आप क्या देखने वाले हो, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने वाले हो। कौन सी मेथड? ट्रायल एंड एरर मेथड, कीप इन माइंड। तो सबसे पहले वन बाय वन, स्टेप वन। स्टेप वन क्या होता है, राइट, जो भी आपको वर्ड इक्वेशन दिया है उस वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में लिखना है। तो स्टेप वन वाज राइट द केमिकल इक्वेशन, राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम गिवन वर्ड इक्वेशन, राइट द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन फ्रॉम गिवन वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, राइट। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिया गया है, राइट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वर्ड इक्वेशन दी है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज सोडियम? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। इट गिव्स क्या देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज सोडियम सल्फेट। क्या दिया है, क्या मिलता है हमें, सोडियम सल्फेट, राइट, प्लस H2O, दैट इज वाटर। ओके, ये वाटर, ये आपको वर्ड इक्वेशन दी है। इस वर्ड इक्वेशन से आपको क्या लिखना है, केमिकल इक्वेशन लिखना है। देयरफॉर केमिकल इक्वेशन कैसे होगा, केमिकल इक्वेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सिंपल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2O SO4 इंड्यूस सोडियम सल्फेट, दैट इज सोडियम सल्फेट, Na सोडियम SO4 सल्फेट। लेकिन SO4 ये जो सल्फेट का फंक्शन है इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसलिए सोडियम यहाँ पे कितने रखते हैं, 2 लगते हैं, ध्यान में रखना है। सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, ये रेडिकल है, नेगेटिव रेडिकल, जिसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको 2 सोडियम लगते हैं, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी ओनली 1 ही होती है, राइट। उसके बाद वाटर क्या है, H2O, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
Here we complete the first step, right? Now the second step, step number two. What is step number two? Step number two में क्या करना है? जो आपका chemical equation लिखा है, उसको check करना है. That means क्या करना है? Check. Check करना है क्या? Equation. Equation is balanced or not, right? Equation is balanced. Balanced or not. ये जो equation है, equation balance है या नहीं है, वो आपको check करना है. कैसे करोगे? By comparing the number of atoms both side. By comparing number of atoms both side. Look at here. अगर आपको compare करना हो तो सबसे पहले element देखो कौन से हैं. कैसे करोगे compare? Simple सी बात है. यहाँ पे element लिखो. Element, right? What is element? इधर reactant का reactant, okay? Reactants और इधर product. Understood? प्रोडक्ट्स. एलिमेंट्स कौन कौन से? पहला सोडियम है, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन हो गया, बचा क्या? सल्फर और ऑक्सीजन भी हो गया. ये एलिमेंट्स अपने पास दिए हैं. अब ये इक्वेशन, ये प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट्स में बैलेंस है या सेम है कि नहीं? दोनों की तरफ क्या होना चाहिए? सेम. मैंने बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन आपको समझाया है. बैलेंस इक्वेशन क्या होता है? जब रिएक्टेंट के एलिमेंट्स उतने जितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड. ये इक्वल होना चाहिए. मतलब सब जगह इक्वल नंबर आना चाहिए. सोडियम देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड एक ही है, ओके, एक ही है. प्रोडक्ट की साइड देखो, सोडियम कितने हैं? टू दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ओके. ऑक्सीजन यहाँ पे एक हो गया और यहाँ पे चार. कितने हो गए टोटल? फाइव, राइट. इधर देखो, ऑक्सीजन चार और ये कितना है? ऑक्सीजन एक, कितना है? फाइव. बाद में हाइड्रोजन यहाँ पे एक आया, यहाँ पे दो आए, तो कितने हो गए? थ्री. यहाँ पे देखो कितने से? ओनली टू, ओके, कितने है? टू. बाद में कौन है? सल्फर. सल्फर कितना है यहाँ पे? ओनली वन है. और यहाँ पे कितना है? प्रोडक्ट से ओनली वन है. तो ध्यान से देखो, बैलेंस एक इक्वेशन. सोडियम यहाँ का बैलेंस नहीं दिख रहा, राइट. मतलब सोडियम बैलेंस नहीं है, सोडियम इज नॉट बैलेंस. और ऑक्सीजन बैलेंस है, राइट. हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है और सल्फर भी, सल्फर बैलेंस है. मतलब दो एलिमेंट जो गिवन इक्वेशन हमने लिखा है उसमें बैलेंस नहीं है. तो उन इक्वेशन को बैलेंस लिखना है. देयरफॉर हमने यहाँ पे चेक कर लिया, द गिवन इक्वेशन इज नॉट बैलेंस. दैट मीन्स इक्वेशन वन इज नॉट बैलेंस, ये हमने चेक कर लिया, ओके. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज स्टेप नंबर थ्री. स्टेप नंबर थ्री, ये स्टेप नंबर थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तो इजी है, आप इजीली कर लोगे, राइट. लेकिन इस स्टेप नंबर थ्री को आपको अच्छे से समझना है, राइट. अच्छे से उसको माइंड में रखना है और याद करना है और कैसे बैलेंस करना है, तो राइट. स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री के दो कंसीडर कर लो. उसको कैसे करना है? सबसे पहले स्टार्ट करना है बैलेंसिंग इक्वेशन, राइट. स्टार्ट क्या करना है? स्टार्ट बैलेंसिंग इक्वेशन. इक्वेशन को बैलेंसिंग करना स्टार्ट करना है. कहाँ से करोगे स्टार्ट? फ्रॉम ऐसे कंपाउंड, राइट. फ्रॉम कंपाउंड, राइट. फ्रॉम कंपाउंड विच, राइट, विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, राइट. विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है वहां पे कंसीडर करना होगा. सबसे पहले इस कंपाउंड में देखो, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक कंपाउंड है, राइट. एक, दो, तीन, कितने एटम्स है यहाँ पे?
तीन आइटम है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन दो हो गए, सल्फर एक तीन हो गए और ऑक्सीजन चार, टोटल आइटम कितने हो गए सेवन आइटम, कितने सेवन। यहाँ पे देखो सोडियम दो सल्फर एक मतलब तीन हो गए, ऑक्सीजन चार, टोटल कितने हो गए सेवन, इसमें भी सेवन है इसमें भी सेवन है, दीज आर द टू कंपाउंड्स हैविंग सेवन नंबर ऑफ एटम्स, सात नंबर ऑफ एटम्स है। इसमें देखो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन एक मतलब तीन ही नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल है। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, बैलेंसिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स राइट। तो कंपाउंड जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं कंपाउंड राइट, कंपाउंड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कौन से हो, सबसे पहले H2O H2SO4 एंड Na2SO4, कितने नंबर ऑफ एटम है सेवन एटम्स राइट, इच हर एक के पास कितने एटम है सेवन एटम है। ओके ये हो गया इसका फर्स्ट कंडीशन राइट। उसके बाद अब बैलेंस करते समय क्या करना है, तो फर्स्ट कंसीडर करना है पहले कौन से एलिमेंट को कंसीडर करें, क्योंकि यहाँ पे कितने एटम्स है, यहाँ पे हाइड्रोजन है सल्फर है ऑक्सीजन है, यहाँ पे सोडियम है सल्फर है ऑक्सीजन है, मतलब सारे चारों की चारों एलिमेंट्स अवेलेबल है। तो कौन बैलेंस नहीं है, सोडियम बैलेंस नहीं है और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले किसको कंसीडर करना होगा ये आपको बैलेंस करने के लिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट कंसीडर ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है। फर्स्ट कंसीडर ऐसा एलिमेंट इन दिस कंपाउंड, इस एलिमेंट कंपाउंड में राइट, फर्स्ट कंसीडर एलिमेंट इन दिस कंपाउंड ऐसा एलिमेंट कंपाउंड कर रहे हैं जिससे विच हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन टू साइड, दोनों साइड में अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो गए राइट, कंपाउंड विच हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड दोनों साइड में, अगर जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स है वो कंसीडर करना है। अब यहाँ पे अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स कहाँ पे है, सोडियम में है और हाइड्रोजन में है राइट, दोनों साइड में सोडियम और हाइड्रोजन इसमें सब क्या है अनइक्वल नंबर ऑफ कंपाउंड है, ये जिसे ध्यान में रखना है इसको ठीक है। अब तो दोनों में से किसको चूज करना पड़ेगा राइट, ये दोनों कंसीडर कर लिए हमने, तो इसमें से चूज करना है, तो ऐसे कंपाउंड को सिलेक्ट करना होगा एनीवन राइट जो बैलेंस नहीं है राइट, एनीवन सिलेक्ट एनीवन राइट, क्यों कौन से बैलेंस नहीं है, दैट इज यहाँ पे क्या है सोडियम एंड हाइड्रोजन राइट, एलिमेंट्स आर नॉट balanced right, balanced both side ये दो elements balanced नहीं है, तो उन दोनों में से किसी एक को select करना है, select any one element right। अब select करते समय क्या करना है, सबसे पहले एक कौन सा तो भी ले लो, कौन सा लेना है सोडियम को देखो यहाँ पे वन है यहाँ पे टू है तो सोडियम इजी रहेगा राइट, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे थ्री है यहाँ पे टू है राइट, इनका बैलेंस करते समय थोड़ा दिक्कत जाएगी अंडरस्टूड, क्योंकि वन को अगर डायरेक्ट टू से मल्टीप्लाई कर दिए तो टू हो जाएगा, इजी हो जाएगा सोडियम का बैलेंस करना, जो इजी होता है उसे ही पहले कंसिडर कर लो राइट, सिलेक्ट एनी वन। तो मैं क्या करता हूँ इजी वाला राइट, कौन सा इजी टू बैलेंस ओके, क्या कंसिडर करना है सोडियम राइट, सोडियम कंसिडर करने के लिए क्या करना होगा राइट, सबसे पहले इनिशियली देखो यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ राइट, सोडियम
कैसे होगा? Na एटम, Na Na एटम मीन सोडियम एटम, राइट। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड और इधर क्या लिखूंगा मैं, प्रोडक्ट साइड। ओके, इनिशियली सबसे पहले इनिशियली रिएक्टेंट की तरफ कितने नंबर है देखो, इनिशियली रिएक्टेंट साइड इक्वेशन नंबर वन इजी टू बैलेंस, क्या है सी इक्वेशन नंबर वन। ओके, इक्वेशन नंबर में इनिशियली सोडियम रिएक्टेंट साइड कितना है, वन है। देखो यहाँ पे लिख सकते हो, देख सकते हो वन है और यहाँ पे कितना है, टू है, राइट, अंडरस्टूड। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करना है तो क्या करना होगा, राइट, इसको मल्टीप्लाई करना होगा टू से, राइट, ये टू का टू वैसे रहेगा, राइट। तो इसको क्या करना है, अप्लाई फैक्टर टू, राइट, क्या करना पड़ेगा, अप्लाई फैक्टर टू, किसको अप्लाई करना होगा, टू NaOH, ये रिएक्टेंट साइड का जो NaOH है उसे, टू NaOH को आपको फैक्टर अप्लाई करना होगा, राइट, कौन सी साइड का, रिएक्टेंट साइड का, दैट इज रिएक्टेंट साइड। इसमें एक बात ध्यान में रखना है, नोट करके रखो, नोट, राइट, जो NaOH है इट नॉट गोइंग टू चेंज टू Na2OH, राइट, NaOH नॉट चेंज टू Na2OH, क्योंकि ऐसा कंपाउंड भी नहीं होता है। ये जो टू फैक्टर आप अप्लाई करने वाले हो NaOH को ऐसे नहीं करना है, दिस इज नॉट चेंज टू Na2OH, दिस इज रॉन्ग, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ये जो फैक्टर है उसको अप्लाई करना है, मतलब उसके आगे में लेना है, तो कैसे दोगे, देयरफॉर ये कैसे होगा, टू इंटू NaOH, देखो इक्वेशन नंबर वन अप्लाई करने के बाद, आफ्टर दी अप्लाई फैक्टर टू टू दी NaOH, जो रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड अप्लाई कर दिया तो क्या बचेगा, H2SO4, इट गिव्स Na2SO4 प्लस H2O, राइट, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, राइट, ये इक्वेशन नंबर टू हो गया। ओके, अब क्या करना है, इसी स्टेप में, ये फर्स्ट एंड सेकंड हो गए, राइट, तो फर्स्ट एंड सेकंड होने के बाद हमने ये फर्स्ट ट्राई किया, राइट, उसके बाद थर्ड इसमें देखो, थर्ड इसमें क्या करना है आपको, फिर से चेक करना है कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, राइट, मतलब फिर से क्या करना है, चेक इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट, इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, यह हमें क्या करना है, चेक करना है इस इक्वेशन को, दैट इज इक्वेशन नंबर ये क्या मिला है आपको, आफ्टर अप्लाइंग फैक्टर टू, इक्वेशन नंबर टू, राइट। चलो इसी तरह हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, राइट, यहाँ पे लिखो चार, इक्वेशन नंबर टू आया, यहाँ पे चार देखो एलिमेंट, राइट, यहाँ पे रिएक्टिंग साइड और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड। ओके, हीलियम कौन से है, सोडियम है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद सल्फर है। ओके, इक्वेशन नंबर टू को देखना है, इक्वेशन नंबर टू यहाँ पे सोडियम कितने है, इस साइड दो हो गए, राइट, इधर भी कितने हैं, टू हो गए। ऑक्सीजन देखो ये टू, राइट, और ये फोर, कितने हो गए ऑक्सीजन, सिक्स हो गए। इधर देखो ये टू है और ये कितना है, वन, मतलब फाइव हो गए, मतलब ऑक्सीजन थोड़ा चेंज हो गया है, इधर सेम था, अब इधर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बढ़ गया है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे टू है, आगे टू है, मतलब इन सबको टू है, ध्यान रखना है। ओके, टू है तो सबके पास टू है, ये हो गया एच टू, यहाँ पे टू कितना हो गया, ये चार हो गया, हाउ मच इज हाइड्रोजन, फोर। इधर देखो हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, यहाँ पे कितना है, टू है, यहाँ पे टू। सल्फर देखो कितना है, सल्फर यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे एक ही है,
मतलब या पे भी वन या पे भी वन। इतना समझ में आ गया, हम सेकंड इक्वेशन को बैलेंस करने वाले हैं अभी। ओके, सेकंड इक्वेशन को क्या करने वाले, बैलेंस करने वाले, तो आपको अच्छे से अभी देखना है। ओके, इक्वेशन सेकंड को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो थोड़ा हम नीचे लेते कैमरा। ओके, अच्छे से ध्यान दो, लिख लिया आपने यहाँ पर कौन कौन बैलेंस नहीं है। सोडियम तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो इक्वेशन बैलेंस चेक करने के लिए यहाँ पे दो बैलेंस नहीं है। ओके, तो उसके बाद देखो इक्वेशन थ्री टू अप्लाई करने के बाद ओके जो मिला है हमें उसे बैलेंस करना है। ओके, अब हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करना है किसको, इनिशियली जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो किसको बैलेंस करना पड़ेगा, सबसे पहले हाइड्रोजन को। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन में बहुत बड़ा नंबर है ना, यहाँ पे सिक्स है यहाँ पे फाइव है, उससे नीचे कौन है, जैसे कि पहले हम सोडियम जैसे वन था उसको हमने पहले बैलेंस किया, अब यहाँ पे कौन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, राइट। इक्वेशन चेक किया हमने, इक्वेशन टू इज नॉट बैलेंस, दैट इज इक्वेशन टू इज नॉट बैलेंस, बैलेंस नहीं है कौन से एलिमेंट, राइट, दैट इज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले इनको बैलेंस करना होगा, राइट। बैलेंस करते समय क्या होगा, रिक्वायर्ड स्मॉल फैक्टर, अंडरस्टूड, स्मॉल फैक्टर किसके पास है, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन को इजीली बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे फोर है यहाँ पे टू है, तो टू को मल्टीप्लाई करने से डायरेक्ट बैलेंस हो जाएगा, लेकिन सिक्स और फाइव को बैलेंस करना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो इससे अच्छा है आप स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा है, हाइड्रोजन, इसको बैलेंस करना है, राइट, रिक्वायर्ड स्मॉल फैक्टर। ओके, क्या करना है, टू बैलेंस वी रिक्वायर ओके स्मॉल फैक्टर, राइट। स्मॉल फैक्टर मतलब जो कौन सा है, एच, जिसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, अंडरस्टूड। अब बैलेंस करते समय इनिशियली हाइड्रोजन, राइट, हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करना है, व्हाट इज हाइड्रोजन को क्या करना है, बैलेंस करना है, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, इसका फिर से आप लिख लो कितना है, पहले फोर है और टू है, तो सबसे पहले यहाँ पे चार्ट बना लो, राइट, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, राइट, और ये रिएक्टिंग साइड और ये प्रोडक्ट साइड, यहाँ पे इधर देखो इनिशियली कितना है, रिएक्टेंट साइड कितने हैं, हाइड्रोजन फोर है और प्रोडक्ट साइड कितना है, टू है। देखो रिएक्टेंट साइड ये दो और दो चार हो गया, प्रोडक्ट साइड ओनली टू है, तो टू बैलेंस करते समय क्या करना पड़ेगा, इस साइड ये फोर वैसे की वैसे रहेगा, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब किसको मल्टीप्लाई करना होगा, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना होगा, प्रोडक्ट कौन सा है, वाटर, इसको मल्टीप्लाई करो, ओके, राइट, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा फिर, राइट, अप्लाई फैक्टर टू, नेक्स्ट क्या है, अप्लाई फैक्टर टू किसको, H2O, जो कौन से साइड में है, प्रोडक्ट की साइड में, अंडरस्टूड। करने के बाद फिर से रिएक्शन लिखो, राइट, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन। अब क्या होगा, इक्वेशन टू को फिर से लिखने के बाद ये टू वैसे की वैसे है, NaOH प्लस यहाँ पे H2SO4, उसके बाद इट गिव्स Na2SO4 प्लस यहाँ पे टू को हाइड्रोजन वाटर को टू से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, थ्री हो गया, ये होगी स्टेप थ्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको चेक करना है, क्या करना है, फोर्थ इसमें फिर से चेक करो, इक्वेशन थ्री का ही हमने फोर्थ चेक कर रहे हैं, राइट, चौथी बार चेक करो, देखो बैलेंस है कि नहीं, इक्वेशन
3, right? Is balanced or not? Is balanced or not? चेक करने से क्या मिलता है? देखो सोडियम दो है, इधर भी सोडियम दो है, ओके। ऑक्सीजन देखो ये दो और ये चार, छह हो गए। इधर देखो ऑक्सीजन दो है और ये दो, दो आगे है, दो फैक्टर आगे, मतलब ये भी दो है, दो और चार छह, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अंडरस्टूड? यहाँ पे अनबैलेंस था लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस करते समय ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, समझ में आया। उसके बाद देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने? दो है और ये दो चार, ये कितना है? दो और दो टू इंटू टू फोर, ऑलरेडी हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया है। सल्फर देखो, सल्फर वन है, यहाँ पे भी वन है, मतलब सल्फर भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हमने सिर्फ किसको बैलेंस किया है? सोडियम को और हाइड्रोजन को, सिर्फ दो एलिमेंट को बैलेंस किया है स्टेप बाय स्टेप। इसके हिसाब से सोडियम और हाइड्रोजन को दोनों को सिर्फ बैलेंस किया था जो इनिशियली अनबैलेंस थे, राइट? तो ये अपने आप बाकी के ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं। अंडरस्टूड? जो अनबैलेंस थे उनको स्टार्टिंग की इक्वेशन में, राइट, उनको बैलेंस किया। नाउ इक्वेशन इज क्या है? देयरफॉर इक्वेशन इक्वेशन थ्री इज बैलेंस्ड। क्या इक्वेशन थ्री? बैलेंस्ड हो गई। अंडरस्टूड? समझ में आया? ये था बैलेंस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, ओके, राइट। ये थे तीन स्टेप। लास्ट की स्टेप जो होती है, आपको लास्ट की स्टेप जो यही केमिकल इक्वेशन है जो बैलेंस हुई है, राइट, इसको रीराइट करना है। राइट डाउन द फाइनल बैलेंस इक्वेशन अगेन। स्टेप नंबर क्या है? फोर। स्टेप नंबर फोर, व्हाट इज? राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगेन। व्हाट इज अगेन? दोबारा फिर से आपको स्टेप नंबर फोर में पूरी इक्वेशन वैसे की वैसे बैलेंस करके लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको आप इसके नीचे लिखना है, राइट। तो सबसे पहले मुझे बताओ दिखाई दे रहा है क्या कैमरा में? राइट, लास्ट वाला ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है, राइट। तो चलो फिर से लिखो, कितना होगा, क्या है? अगेन दैट इज इक्वेशन नंबर टू, टू एन ए ओ एच प्लस क्या है वो? एच टू एस ओ फोर इट गिव्स, राइट। क्या दे रहे हो? एन ए Na2SO4 plus 2 moles of water. This is the balance equation. This is the steps for balancing the chemical equations of any reaction. जितने भी reaction है उसको balance करना है, तो ये चार steps है, आपको step by steps लिखना होगा। This is trial and error method. Understood? अच्छे से note down कर लो कैसे balance किया मैंने और कैसे अनबैलेंस एलिमेंट देखे हैं, कैसे चेक किया है, कैसे स्टार्ट किया है। स्टार्ट कहाँ से करना है? जहाँ पे ऐसा कंपाउंड लेना है जहाँ पे मैक्सिमम क्या है नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, वैसे कंपाउंड को पकड़ना है। पहले हमने पकड़ लिया, राइट, कौन से? H2SO4 और Na2SO4, जहाँ पे 7-7 एटम है। उसके बाद पहले कंसिडर किया ऐसे एलिमेंट को, ऐसे कंपाउंड को जिसके पास अनइक्वल नंबर ऑफ एटम है। तो हमने यहाँ से देखा अनइक्वल नंबर ऑफ एटम किसके पास है, कौन से एलिमेंट है? सोडियम और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इनको अच्छे से बैलेंस नहीं कर सकते। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से करना पड़ेगा, तब बैलेंस होगा। लेकिन यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे 2 है, सोडियम जल्दी बैलेंस हो सकता है। तो सबसे पहले किसको लेना है? सोडियम को लेना है। एनी वन सिलेक्ट करते समय जो इजी है उसे बैलेंस करना है, दैट इज हमने सोडियम को कंसीडर कर लिया। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो इधर हमने सोडियम को बैलेंस कर दिया, ओके, ये सोडियम को बैलेंस कर दिया, राइट, बाय आफ्टर अप्लाइंग फैक्टर 2। ये इक्वेशन को दोबारा लिख लिया, बाद में फिर से इक्वेशन को चेक किया कि बैलेंस है कि नहीं, तो नहीं हुआ। यहाँ पे ऑक्सीजन का भी बैलेंस बिगड़ गया था, देखो बिगड़ गया था, नहीं, ऑक्सीजन 6 हो गया और हाइड्रोजन इधर रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड 5 हो गया, और हाइड्रोजन
और अनबैलेंस है, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इजी वाला कौन सा है, ये यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन, तो रिएक्टेंट के साइड को छोड़ दो, प्रोडक्ट के साइड अगर हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए कर दोगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को हमने बैलेंस किया कितने से, बाय अपॉन फैक्टर 2, कौन सी साइड, प्रोडक्ट के साइड, प्रोडक्ट के साइड 2 को 2 से अप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। इसी स्टेप को फिर से आपको रिएक्ट करना होगा। दिस इज द मेथड्स स्टेप्स फॉर द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। अच्छे से नोट डाउन करो, माइंड में रखो, राइट। इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरत है, जब तक आप प्रैक्टिस करोगे नहीं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की, तब तक आप उसमें ट्रेन नहीं हो जाओगे। सबसे पहले ट्रेन होना है, मैक्सिमम इक्वेशन ट्राई करना है टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, राइट। और ऐसे स्टेप्स भी आपको लिखना है, राइट। मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, अच्छा स्कोर करना है तो इसकी अच्छे से पढ़ाई करो और ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करो विद द राइटिंग ऑल स्टेप्स, ये चारों स्टेप्स लिख के, अंडरस्टूड। अगर ये वीडियो, मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, पूरा टॉपिक समझ में आया है, तो इसे अच्छे से लिख लो और मेरे वीडियो को लाइक करो, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि ये वीडियो देखे, उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।